जी बेटा, जी बेटा, हम एक्सरसाइज 4.10 स्टार्ट हमने की थी कल और उसके 5 क्वेश्चन किए थे। आज हम छठा क्वेश्चन करते हैं, 6 क्वेश्चन। उसकी स्टेटमेंट है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव नंबर्स हूज प्रोडक्ट इज 132। दो कंसेक्यूटिव बिल तरतीब तरतीब जैसे होते हैं 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14 ऐसे। हमने कहा कि लेट टू कंसेक्यूटिव नंबर इज इक्वल टू, एक है एक्स तो दूसरा क्या होगा x+1 यानी माइनस वन ऐड हो जाएगा। कंसेक्यूटिव नंबर्स है, एक एक्स है तो दूसरा x+1 और ये दोनों नंबर्स हमने मालूम करने हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहा है कि इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट कितना है 132। x into x+1 इज इक्वल टू 132। ये हो जाएगा x² + x 132 को हमने लेफ्ट साइड पर ले आए तो ये आएगा इक्वल टू जीरो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। आप यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, एक यहां वैल्यू पुट करेंगे दूसरा नंबर ये आ जाएगा। फर्स्ट के लिए एक नंबर है 5 आता है दूसरा 6 हो जाएगा, एक 7 आता है दूसरा 8 होगा। ठीक है, यहां x+1 में क्वेश्चन नंबर 7। अब उसने क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द क्यूब्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर, दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर। अब इवन नंबर कैसे होते हैं, जैसे दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर क्या होंगे, एक 2 है दूसरा 4 है, एक 20 है तो दूसरा 22 है, एक 44 है तो दूसरा 46 है। ठीक है, तो हम कहेंगे लेट टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज इक्वल टू, अगर एक एक्स है तो दूसरा x+1 नहीं होगा बल्कि x+2 होगा, क्योंकि इवन नंबर की बात की है तो दूसरा इवन नंबर जो होगा कंसेक्यूटिव x+2 होगा। और ये दोनों नंबर्स हमने ऊपर की क्लास से मालूम करने हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन देयर क्यूब्स, इन दोनों के क्यूब्स का डिफरेंस यानी x+2 की पावर 3 माइनस x³ इज इक्वल टू क्या है 296। ये उसे हमें क्वेश्चन होता है, बस अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो हम फार्मूला लगाएं a+b होल क्यूब का फार्मूला होता है, a³ + b³ + 3ab * a+b और ये -x² = 296। x³ - x³ से कैंसिल हो गया। अब रहेगा 2³ = 8, 3² = 6, एक्स को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6x² 3² = 6x को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 12x और ये हो जाएगा माइनस, इधर आ गया 296 लेफ्ट साइड पर हो जाएगा -296 = 0। तरतीब तरह देखें 6x² + 12x - 296 + 8 ये रह गया -288 = 0। तो 6 पर डिवाइड कर दे, मैं 6 पर फिर आ जाएगा x² ये रह जाएगा 2x और 288 को जब हम 6 पर डिवाइड करेंगे आएगा 48 = 0। ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गई। आप इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, x की जो वैल्यू आएगी हमने फाइंड करने टू कंसेक्यूटिव नंबर, एक तो x की वैल्यू आ जाएगी वो जो और दूसरा उसमें 2 ऐड करेंगे आप तो दो नंबर मान बन गए हमें, एक x की वैल्यू जो भी आएगी और एक उसमें 2 ऐड करेंगे तो वो दूसरा नंबर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है अ फार्मर, एक फार्मर यानी एक किसान बॉट सम शीप, उसने कुछ भेड़ें खरीदी
फॉर रुपीज 9000। एक किसान ने जो भेड़ खरीदी, फर्ज कर लिया वो एक्स 9000 की खरीदी, तो हमने लिखा प्राइस ऑफ एक्स शीप 9000। तो एक भेड़ की कीमत क्या होगी, प्राइस ऑफ वन शीप इज इक्वल टू 9000 डिवाइड बाय एक्स। उसमें फर्ज कर लिया भेड़ खरीदी है वो है एक्स, कितने की खरीदी 9000 की, तो एक भेड़ की कीमत क्या होगी 9000 ओवर एक्स। अब उसको कुछ जैसे अभी बकरा ईद गुजरी है कुछ दिनों पहले, एक महीना पहले, तो उसमें हमें क्या लेना लेने गए बाजार से बकरा, घर जब लेकर आए वो तो जो उन्होंने खिलाया पिलाया था वो तो पतला हो गया, तो हमने कहा वो महंगा ले गया, महंगा ले गया इसको, तो वो भी हम फार्मर कह रहा कि कर रहा कि काश कि मैं उससे थोड़ी सी बार्गेनिंग करता और उसे कम पैसे देता, हर भेड़ की कीमत जो है ना 100 रुपए कम देता, तो वो एक तमन्नाई फिक्र है वुड दैट वाला कि अगर मैं हर भेड़ की कीमत 100 रुपए कम अदा करता तो उन पैसों में 3 भेड़ें और आ जाती, 3 भेड़ें मजीद वो खरीद लेता। देखिए मैं पढ़ता हूँ वो क्या कह रहा है, कह रहा है इफ ही हैड, ये तमन्नाएं कितना होता है, काश मैं ऐसा करता, इफ ही हैड पेड ₹100 लेस फॉर ईच, कि वो हर भेड़ की कीमत 100 रुपए कम अदा करता, ही वुड हैव बॉट 3 शीप मोर, तो वो इसमें इसी कीमत में 3 भेड़ें और। क्या कह रहा है वो कि काश मैं हर भेड़ की कीमत 100 रुपए कम अदा करता तो इसी कीमत में यानी 9000 में 3 भेड़े वो और हासिल कर लेता। तो अब हमसे वो क्वेश्चन में सवाल क्या कर रहा है, हाउ मेनी शीप डिड ही बाय, कि उसने कितनी भेड़ें खरीदी, मसलन उसने कितनी भेड़ें हकीकत में एक्चुअल उसने कितनी भेड़ें खरीदी, व्हेन द रेट इन ईच केस इज यूनिफॉर्म, इन दोनों केस में रेट में फर्क ना आए, यानी कि हर भेड़ की कीमत सेम है, यानी कि ये नहीं है कि उसकी एक की 40 है, एक 100 है, एक 300 है, सेम है, तो कितनी भेड़ें उसने खरीदी। अब इसको देखते हैं, तो हमने यहाँ लिखा इन न्यू कंडीशन, यानी जब वो तमन्ना कर रहा है इन न्यू कंडीशन कि शीप बॉट, वो 3 भेड़ें और खरीदा, पहले उसने एक्स खरीदी है, अगर वो 100 रुपये कम अदा करेगा तो वो X+3 खरीदेगा, X+3, और दोनों के प्राइस यूनिफॉर्म है, पहले भी उसने 9000 की, अब भी 9000, प्राइस ऑफ X+3 शीप वो भी 9000 है, तो फिर प्राइस ऑफ वन शीप कितनी हो जाएगी 9000 डिवाइड बाय X+3। अब हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये तो एक्चुअल उसकी एक शीप की प्राइस है 9000 ओवर एक्स, और ये प्राइस वो है 9000 ओवर X+3, जब वो तमन्ना कर रहे हैं कि अगर मैं हर भेड़ की कीमत 100 रुपए कम अदा करता तो फिर ये बनेगी, तो इससे मतलब ये 100 रुपए कम है, ये 100 रुपए ज्यादा है। अब इक्वेशन कब बनेगी, या तो हम यहां से 100 माइनस कर दें या इसमें 100 ऐड कर दें, तब ये इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये ओल्ड प्राइस है, ये न्यू प्राइस है, ये तमन्नाई प्राइस है जो उसने तमन्ना की है कि अगर वो 100 रुपए कम अदा करता तो फिर वो X+3 शीप खरीद लेता, तो एक भेड़ की कीमत ये उस सूरत में, तो या तो हम यहां से 100 माइनस करें या यहां 100 ऐड करें, ये आपकी मर्जी है। चलो मैं यहां से 100 माइनस करूं, ये मैंने 100 सबट्रैक्ट कर दिया, जैसे अब ये मैंने इक्वल का साइन, अब हम फ्रैक्शन खत्म करें, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें एक्स और X+3 से, जब हम यहां X इनटू X+3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो
हो जाएगा 9000 इंटू एक्स प्लस थ्री, एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस 100 इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू, और जब यहां मल्टीप्लाई करेंगे हम x इंटू एक्स प्लस थ्री से तो आ जाएगा 9000 इंटू एक्स, एक्स प्लस थ्री कैंसल हो जाएगा। अब आप इसमें क्वेश्चन बनाए, ये हो जाएगा 9000 एक्स प्लस 27000 थ्री से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 100 एक्स स्क्वायर माइनस 300 एक्स माइनस, इसको लेफ्ट साइड पर ले, माइनस 9000 एक्स इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा माइनस 100 एक्स स्क्वायर की तरतीब दे रहा हूं, और ये माइनस 900 एक्स और ये प्लस 900 एक्स से कैंसल हो जाएगा। अब क्या बचेगा, माइनस 300 एक्स, माइनस 300 एक्स प्लस 27000 इक्वल टू जीरो। अगर आप इसको माइनस 100 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां रह जाएगा प्लस 3x, और जब यहां इसको 100 से डिवाइड करेंगे माइनस 100 से ये आ जाएगा माइनस 270 इक्वल जीरो। अब ये देखिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, यहां से आपकी x की वैल्यू जो होगी, क्योंकि हमने उसने पूछा था कि उसने कितनी भेड़ें खरीदी, ये हमने कहा था कि उसने जो भेड़ें खरीदी लेट अस सी बॉट एक्स, यानी ये मालूम है यहां से जो भी एक्स की वैल्यू आएगी वो आपका आंसर होगा, वो उसने उतनी भेड़ें खरीदी। लेकिन ये ख्याल रखें कि नेगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं होना, क्योंकि तादाद सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर होती है, ना नेगेटिव में होती है, ना ही पॉइंट में, डेसिमल में या फ्रैक्शन में होती है, ठीक है ना। तो सिर्फ जो पॉजिटिव इंटीजर होगा वही आपका आंसर होगा, इसको आप सॉल्व कर लेंगे या आपका आंसर होगा। बेटे आज का लेक्चर यहीं तक काफी है, इंशाल्लाह फिर हम आगे कल करेंगे। खुदा हाफिज़।